नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आज के इस नए ब्लॉग पर। और जैसा कि पीछे देख रहे हैं ये तपसासी झील, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले भी मतलब दो चार वीडियो बना के अपलोड किए हैं, लेकिन आज जो है यहाँ से पारसनाथ का व्यू कुछ अलग दिख रहा, बहुत क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा, तो उसको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उम्मीद करता हूँ आज का जो ब्लॉग है ये आप लोग काफी पसंद आएगा। और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी टच कर लीजिए, जिससे आने वाले इसी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को पहुंचती रहे। और वीडियो को देखिए, क्योंकि आज यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत मतलब देखने को आज मिल रहा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो पीछे दिख रहा है पारसनाथ का पूरा क्लियर व्यू, ये जो पीछे सबसे पीछे जो पहाड़ है ये पारसनाथ यहाँ से देखा जा सकता है आज, इसका बहुत मतलब बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। और इधर पूरा तपसासी झील का जो है पूरा सारा क्लियर व्यू, मतलब बेहतरीन नज़ारा है आज यहाँ का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो सीन है आप लोग काफ़ी पसंद आ रहा होगा, इसका चारों तरफ का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं बैक कैमरा में। यहाँ पर दोस्तों मतलब आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छे मेरे मित्र हैं, इनका भी एक YouTube चैनल है जिसपे हम लोग फॉलो करते हैं, इनको बहुत अच्छा से आप पहचानते होंगे। देखिए स्नैक सेवर है हमारे धनबाद के जाने माने प्रकाश यादव जी, है ना। तो एक अच्छे मतलब स्नैक सेवर है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इनके मतलब क्या बोले, आज मिलकर बहुत खुशी हुआ इनसे। और पीछे ये जो वादी है प्राकृतिक सौंदर्य जो आज का है, मतलब पूरा क्लियरिटी पारसनाथ की मतलब यहाँ उसको देखकर, और साथ में प्रकाश भाई मिले तो वीडियो में जान आ गया हमको लगता है। प्रकाश जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए, ये शायद कुछ स्नैक लेके आए थे, अभी उसको रिलीज कर चुके हैं, नहीं तो शायद इस वीडियो में वो भी चीज आप लोगों को देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब मैं ही लेट हो गया, ये लोग तो अपने सही टाइम पर है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आइए आपको दिखाएंगे। हाँ, तो प्रकाश जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पर अगर फिर ऐसा मौका मिलता है तो उसको भी दिखाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जो उधर सामने पार्क है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है यहीं पर जो है पानी का मतलब प्यूरिफाइंग किया जाता है पूरा तपसासी झील के, और उसके बाद यहाँ से सप्लाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद उसका सारा सिस्टम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा सायरा बना हुआ आप लोग देख सकते हैं पीछे, और एक दूसरे पर क्रॉस करते हुए पानी यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से प्यूरिफाई होता है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से उसको पानी को पूरा सप्लाई किया जाता है धनबाद में। इसको झरिया वाटर बोट के नाम से भी जानते हैं, और वो इसलिए बोलता है कि मैंने बोला जाता है क्योंकि यहाँ से पानी जो है झरिया तक पहुँचता है। तो चलिए सारा सेहरा को आप लोग दिखाते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में यही थोड़ा सा मतलब नया कोई डालने का मैंने कोशिश किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्यूरिफाइंग जो सेंटर है तपसासी वाटर बोर्ड, इसका एक खासियत है कि यहां से लेकर कहीं तक भी जहां तक भी इसका पानी जाता है
कहीं भी कोई मोटर का यूज नहीं किया गया, टोटली पाइप के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ पाइप के माध्यम से ही जो है पानी कतरास और झरिया तक मतलब चला जाता है। तो ये उस टाइम अंग्रेज मतलब अंग्रेजों ने बनाया था इसको, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये एक मैंने अचंभित कारनामा है बोल सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में जितना भी पानी का जो सप्लाई किया जाता है उसमें बड़े बड़े मोटरों का यूज किया जाता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ का ही खासियत है कि किसी भी तरह का कोई भी मोटर का उपयोग नहीं करता है, मैंने किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग है ये आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे खूबसूरत ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।